आज आपका मेडिटेशन का टाइम है। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मुफीद है, और इसके अलावा अगर कोई वेट का प्रॉब्लम नहीं है तो भी मुफीद है आपके लिए। इस मेडिटेशन को लगातार करना होगा। याद रहे, ये मेडिटेशन कोई दवाई नहीं है, इसलिए नुकसान कोई नहीं है किसी किस्म का। दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोज जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पर मिलती रहे। माइंड साइंस इज ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, जो लाइव वीडियोस आ रही है उसके बारे में फौरन मालूमात मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपका मेडिटेशन का टाइम है और एक बड़ी मुनफरद मेडिटेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या अपनी वेट को मैनेज करना चाहते हैं या स्पॉट रिडक्शन चाहते हैं उनके लिए भी ये मुफीद है, और उसके अलावा अगर कोई वेट का प्रॉब्लम नहीं है तो भी मुफीद है आपके लिए। इस मेडिटेशन को लगातार करना होगा, साथ साथ जो भी आप अपनी अदर चीज़ें शामिल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो कंटिन्यूसली वो भी करनी होगी। याद रहे, ये मेडिटेशन कोई दवाई नहीं है, इसलिए नुकसान कोई नहीं है किसी किस्म का। पर जितनी आप करेंगे आपके सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, और फिर आप लोग ये जानते हैं कि आपके माइंड में इतनी कुव्वत है कि वो आपके जिस्म के तमाम सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है। आपका थॉट, आपकी फीलिंग्स तमाम सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारे वो सेल्स हैं जिनको फैट सेल्स कहते हैं, हमें इनके अंदर से इसको रिड्यूस करना है, इनको ख़त्म करना है, और हमें वो फालतू चर्बी जिस्म से बाहर निकाली नेचुरल तरीके से। तो उसके लिए मेडिटेशन, यू डोंट नीड टू बी अ डॉक्टर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सिंपल सा है कि जिस्म से वेट खुद ब खुद कम हो, और साथ साथ जो रिजीम आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं या हेल्दी खाना खा रहे हैं, उसको आपने कंटिन्यू रखना है। पानी बहुत पीना है। जब आप मेडिटेशन शुरू करें तो दिन में कम से कम 3 लीटर आपने पानी पीना है। तो आरामदेह पोजिशन ले लें। अभी आँखें बंद मत कीजिएगा। पहले इस मेडिटेशन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ख़ास किस्म की, और उसके दूसरा पार्ट जो है वो विजुलाइजेशन का है। तो पहले मैं ब्रीदिंग बताता हूँ, उसके बाद फिर जब कहूँगा आपसे कि आंखें बंद कर लें, आप अपनी आंखें बंद करेंगे और फिर विजुलाइजेशन पे आएंगे। तो दोस्तों, ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है इसको 3 ब्रेथ कहते हैं, 3 सांसें कहते हैं। आप सांस लेंगे 1 2 3, रोकेंगे नहीं, रुकेंगे, दोनों में फ़र्क होता है। सांस रोकने का मतलब सीने में सांस जमाओ, रुकेंगे और फिर 5 6 कह के सांस निकालेंगे, यानी 3 सेकेंड में सांस लेंगे, 1 सेकेंड रुकेंगे और फिर 5 6 यानी 2 सेकेंड में सांस निकालेंगे। तो ये कम से कम आपने 15 मरतबा ये करना है नॉन स्टॉप। तो लेट्स स्टार्ट। इसको इस तरह भी करें, 1 2 3 4 5 6 सांस निकालें, 1 2 3 सांस लें, 4 5 6 पे सांस निकालें। मेक श्योर कि जब आप ये सांस ले रहे हो, निकाल रहे हो, तो आपकी स्टमक की मूवमेंट हो, बेली की मूवमेंट होनी चाहिए। अब ये सांस इसी तरह लेते हुए, पैटर्न को ब्रेक नहीं करना, इसी पैटर्न पे सांस लेते हुए तसव्वुर करें, विजुलाइज करें कि आपके पैरों में जो आपके सोल्स ऑफ द फीट है, तल्ले और पंजे हैं, वहाँ से एक सफ़ेद रंग की यानी दूधिया रंग की
जो दूध का कलर होता है मिल्क का, उस रंग की एक रोशनी दाखिल हो रही है दोनों पैरों में, आपके टोज में और फिर आपके सोल्स ऑफ द फीट तलों में। और इस एरिया में जो भी फैट सेल्स हैं आपके, सांस उसी तरह लेते रहिए, उन सेल्स को रिजॉल्व कर रही है, उन सेल्स को डिसॉल्व कर रही है ये वाइट कलर लाइट जो है, तो ये बड़ी वार्म लाइट है, कंफर्टेबल लाइट है ये रोशनी। और अब ये रोशनी ऊपर की तरफ आते हुए आपकी एड़ी और तखने, अब इसमें जहां पे भी फैट सेल्स हैं वो डिसॉल्व हो रहे। अब ये वाइट रोशनी ऊपर की तरफ आती हुई आपकी पिंडलियां, शिन बोन और घुटने तक, ब्रीदिंग करते रहिएगा जिस तरह बताया है। और इस ब्रीदिंग के साथ आपने ये तसव्वुर कायम करना है, विजुलाइजेशन या इमेजिनेशन करनी है कि वाइट रोशनी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है, जिस्म के हिस्सों में से वो तमाम फैट सेल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं। और दाएं बाएं नीज से होते हुए थाइस, यहां जो भी फैट सेल्स हैं थाइस में, जहां एक्सेस वजन है, जहां स्पॉट रिडक्शन की जरूरत है, वो सेल्स वहां पे डिसॉल्व हो रहे हैं, वो वाइट लाइट को डिसॉल्व करके आपको आइडियल जो चाहते हैं स्पॉट रिडक्शन वो आपको मिल रही है। और आपकी हिप बोन और सामने की तरफ से और हाथों की उंगलियों से लेकर ऊपर की तरफ, अब टमी स्टमक वेस्ट वेस्टलाइन पूरे जिस्म में वाइट लाइट, ये वाइट लाइट इवेंचुअली आपकी पेशानी तक पहुंचेगी, पेशानी पे पहुंचने के बाद ये रुक जाएगी। अब पैर से लेकर सर तक आपका पूरा जिस्म जो है वो इमर्स्ड है वाइट लाइट में, और वाइट लाइट उन तमाम सेल्स को जिसकी वजह से मोटापा है या जिसकी वजह से जिस्म के कोई हिस्से प्रोपोर्शनली आउट ऑफ बैलेंस है वहां पे स्पॉट रिडक्शन और वेट लॉस, अब इस वाइट लाइट को फिर सर से नीचे लाते हुए, जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लाते हुए अपने सोल्स ऑफ द फीट और पंजों से बाहर भेजते हैं वापस। अब फिर अपनी कंसंट्रेशन रखें आपकी मेडिटेशन पे, और यहाँ इस ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए आपने तसव्वुर करना है आपका आइडियल फिगर, किस साइज के कपड़े पहने हुए हैं आपने, होगा ये नहीं हो चुका है, किस साइज के आपने कपड़े पहने हैं, कहाँ कहाँ स्पॉट रिडक्शन हुई है, इस इमेज के साथ ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। ये रोज आपने 10 से 15 मिनट करनी है, और ये दौरानी आप खुद चूज करेंगे, उसके लिए अलार्म रखिएगा। जब 10 या 15 मिनट का अलार्म बजे तो फिर आप फौरन लाइट को वापस भेज दें, रोशनी को वापस भेज दें, और चंद सेकंड के लिए अपने फिगर पे तसव्वुर करें कि मेरा फिगर वो हो गया है जो मैं चाहता हूँ, और ये कपड़े साइज के मैं पहन रही हूँ या पहन रहा हूँ। याद रहे 10 से 15 मिनट, जब अलार्म बजे उसके बाद आपने व्हाइट लाइट को वापस भेज देना है। जब अलार्म बजे तो आपने व्हाइट लाइट को वापस भेज देना है और तसव्वुर करना है चंद सेकंड के लिए आपका आइडियल वेट और उस साइज के कपड़े पहने हुए जो आप पहनना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई मेडिटेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।
हैं।